तो फ्रेंड्स, आज ये गाड़ी है हमारे पास मारुति वैगनर, और ये एलपीजी वेरिएंट है। और इस गाड़ी में एसी का प्रॉब्लम है। एसी के ऊपर इससे पहले मैंने पूरी सीरीज़ बताई है, सारे पार्ट्स अलग अलग समझाए हैं, लेकिन आज इसमें कुछ अलग तरीका है। मैं आपको इस गाड़ी का चेक करके बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस बार प्रॉब्लम सामने आई है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना बताऊंगा कि पहले आपको क्या चेक करना है, फिर सेकंड में क्या चेक करना है, और थर्ड में क्या चेक करना है, और फाइनली प्रॉब्लम कहाँ डायग्नोस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हैंड ब्रेक पे लेंगे और ये स्टार्ट करेंगे। ये फ़िल्टर वगैरह इन्होंने खोला हुआ था, लेकिन फ़िल्टर खोलने से भी ऐसा कुछ बात बनी नहीं। एक्चुअल में इसमें कूलिंग ही नहीं है। पहले इसको ऑफ करता हूँ मैं। ये मैंने ऑन कर दिया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने के बाद अब एसी को ऑन करते हैं। ये देखिए, ये इसका एसी की तरफ है, हवा तो आ रही है, ये देखिए हवा आ रही है, लेकिन कूलिंग नहीं है। अब कूलिंग नहीं है, ये देखिए कितनी भी तेज़ करते हैं हवा तेज़ आती है, लेकिन कूलिंग नहीं है। तो अब इसका कूलिंग चेक करने के लिए भी हम चलते हैं इंजन की तरफ, और इंजन में देखते हैं क्या क्या चीज़ चेक करेंगे। तो ये बोनट खोला हमने सबसे पहले, और इसकी देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि लो प्रेशर लाइन ये मोटी वाली, और हाई प्रेशर लाइन जो है ये पतले वाली पाइप होता है। सबसे पहले आपको लो प्रेशर लाइन को चेक करना है। ऐसे ये गर्म है, कूलिंग नहीं है, यानी कि ये जब ठंडा ही नहीं है कूलिंग जाएगी कहाँ से। सेकंड स्टेप आते हैं हम कंप्रेशर की तरफ, कि कंप्रेशर चेक कर रहे हैं कि कंप्रेशर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए साइड में नीचे की तरफ ये कंप्रेशर ये पुली के साथ घूम रहा है। ये देखिए ये तो घूम रहा है, बट ये कंप्रेशर ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसके आगे देखिए क्लच लगा हुआ है जो क्लच घूम नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा ऐसा दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कंप्रेशर घूम रहा है लेकिन उसका क्लच नहीं घूम रहा है। इसकी प्रॉब्लम यही है कि कंप्रेशर ऑन नहीं हो रहा है। अब कंप्रेशर ऑन ना होने के कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूज़ उड़ गया हो, या फिर रिले सही काम ना कर रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी में गैस ना हो, और गैस ना होने की वजह से भी कंप्रेशर ऑन नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले इसकी वायरिंग चेक कर लेते हैं कि यहाँ करंट आ रहा है या नहीं। तो अभी मैंने एक वायर यहाँ कनेक्ट कर लिया है, और इस वायर से मैं डायरेक्ट कंप्रेशर को करंट दूंगा और चेक करूंगा कि क्या कंप्रेशर ऑन होता है। अगर ये ऑन हो रहा है और कूलिंग आ रही है तो फिर तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। और अगर ये ऑन भी हो रहा है और कूलिंग नहीं आएगी तो फिर आगे हम देखेंगे क्या करेंगे। तो पहले मैंने ये देखिए कनेक्टर निकाल दिया इसका मेन, और यहाँ से मैं देखिए कनेक्ट किया मैंने, कंप्रेशर चलने लगा। अब कंप्रेशर चलने लगा तो इसके साथ कूलिंग अभी देखनी पड़ेगी। थोड़ी देर इसको चला के देखते हैं, कंप्रेशर ऑन हो गया, कूलिंग आ रही है या नहीं आ रही है। जैसा कि अभी मैंने लो प्रेशर पाइप टच किया हुआ है, इसमें कूलिंग मुझे फील नहीं हो रही है। ये देखिए कंप्रेशर रुका, ये लगाया तो ऑन हुआ, इसका मतलब ये ऑटो कट हुआ है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें गैस की प्रॉब्लम है। तो इसको मैंने चेक कर लिया, अभी गैस चेक करते हैं। तो देखिए गैस चेक करने के लिए सबसे पहले मैं ये लो प्रेशर लाइन ही चेक कर लेता हूँ। ये कैप हमने हटाया, और इसको हल्का सा स्क्रू ड्राइवर से हम चेक करेंगे। ये देखिए मैं एक प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी भी इसमें गैस नहीं आ रही है। इट मीन्स कि इसमें गैस नहीं है, और कहीं इसका लीकेज हुआ है। तो लीकेज हुआ है तो इसके लिए हमको लीकेज चेक करना पड़ेगा। एक बार हाई प्रेशर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हाई प्रेशर है, ये देखिए, लेकिन प्रेशर इसमें होना चाहिए, प्रेशर के साथ साथ गैस निकलनी चाहिए। गैस निकलती है, ये नहीं कि सिर्फ एयर का प्रेशर हो। ये देखिए ये भी बिल्कुल एम्प्टी है, पूरा खाली है, यानी कि यहाँ से प्रॉब्लम जो थी डायग्नोस हो गई, और इसमें है प्रॉब्लम गैस की। सिंपल, इसको हमें अभी क्या करना होगा, पहले वैक्यूम करना पड़ेगा। वैक्यूम करके इसका लीक टेस्ट करेंगे, क्योंकि गैस कभी कंज्यूम नहीं होती, गाड़ी जो है गैस कंज्यूम नहीं करती है, कभी भी कंज्यूम नहीं करती, कहीं ना कहीं से लीकेज ज़रूर होगी। तो इसकी पहले करेंगे लीकेज चेक, और फिर इसमें गैस फिल करेंगे। जैसा कि अभी लॉकडाउन है तो इसके लिए टाइम लगेगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा इसके पार्ट टू में कि कैसे हमने गैस फिल की।